हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं जय, मास्टर्स कंप्यूटर वर्कस्टेशन में से। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इरेजर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने एक पहले इरेजर के ऊपर वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आप इरेजर को कैसे इंटरनेट पर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। और अगर आपको वो वीडियो मेरी चैनल पर नहीं मिल रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, उसकी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप उसको आसानी से ढूंढ सकें। आज का ये ट्यूटोरियल है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इरेजर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी पर्सनल जो पेन ड्राइव है उसको लैपटॉप में अटैच करता हूँ और आप देख सकते हैं कि पेन ड्राइव अटैच हो गई है और यहाँ पे दिखा रही है पर्सनल नाम से, जो कि एफ ड्राइव है। ठीक है, इस पेन ड्राइव के अंदर मेरी एक फाइल है सेलेक्टेड 30 वीडियो रिक्वेस्ट वाली फाइल। ठीक है, ये फाइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मान लो कि, और मैं इस फाइल के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता और किसी को दिखाना भी नहीं चाहता। लेकिन सडनली मुझे अपनी पेन ड्राइव किसी और को किसी काम की वजह से देनी पड़ी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये फाइल कोई देखे। ठीक है, मान लो कि अगर मैंने इस फाइल को सिंपली डिलीट कर दिया तो क्या होगा, लोग क्या कर सकते हैं, वो एक हम एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद हम इरेजर का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल को सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मान लो कि ये मैंने डिलीट कर दिया और फिर अब ये पेन ड्राइव मैंने किसी और को दे दी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि अब ये पेन ड्राइव खाली हो चुकी है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने अपना ये यूएसबी पेन ड्राइव किसी और को दे दिया और उस बंदे ने इस पेन ड्राइव के अंदर रिकवरी करने की कोशिश की तो क्या होगा। तो चलिए हम इस पेन ड्राइव को रिकवर करके देखते हैं कि अगर अभी मैं इस पेन ड्राइव को रिकवर करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं रिकवरी के लिए रिक्यूआ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको रिक्यूआ की मदद से रिकवरी सीखना है तो आप मेरी चैनल पे जाके रिक्यूआ का वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने तीनों चीज़ें सिखाई हैं कि आप कैसे रिक्यूआ को नेट पर से डाउनलोड कर सकते हो, उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और उसकी मदद से आप कैसा डेटा रिकवरी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रिक्यूआ ओपन है और मैं फटाफट रिकवरी करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इन स्पेसिफिक लोकेशन में मैं अपना यूएसबी ले लेता हूँ कि मुझे यूएसबी में से डेटा रिकवरी करना है, ये जो पर्सनल एफ ड्राइव थी मेरी वो, और मैं दे रहा हूँ नेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि मेरी जो पर्सनल फाइल मैंने डिलीट कर दी थी वो यहाँ पे मुझे दिखा रही। ठीक है, मैं चाहूँ तो इस फाइल को सिंपली रिकवर कर सकता हूँ, मतलब कि एक अनएजुकेटेड पर्सन भी सिंपल रिक्यूआ की मदद से इसको रिकवर कर सकता है। और वैसे मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एक फाइल है तो एक काम करता हूँ, मैं किसी और लोकेशन के ऊपर इसको रिकवर करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पेन ड्राइव के अंदर ही इसको रिकवर करता हूँ। ये रिकवर हो गया और अब मैं फिर से अपनी पेन ड्राइव में जाके देखता हूँ कि वो फाइल है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो डेटा डिलीट कर दिया था वो हमें दोबारा देखने को मिल रहा है, मतलब कि अगर मैं इसको डिलीट करके मेरी पेन ड्राइव किसी और को दे दूँ तो माइक्रोसेकंड में ये डेटा फिर से रिकवर कर लेता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारी कुछ पर्सनल फाइल हमारी जानकारी के बिना लीक हो जाती है, किसी दूसरे के पास चली जाती है। तो ज़्यादातर ऐसे ही केस होते हैं कि हमने गलती से हमारी डिवाइस किसी और को दे दी और उसने वो डेटा रिकवरी कर लिया, क्योंकि हम श्योर होते हैं कि मैंने उस डेटा को डिलीट कर दिया है लेकिन फिर भी वो डेटा कहीं और मिलता है। इसका तो सिंपल रीज़न है कि किसी ने उस डेटा को रिकवर किया। तो अगर मैं सिंपली इस डेटा को डिलीट करूँगा इसको कोई भी रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर मैं इस डेटा के ऊपर राइट क्लिक करके इरेजर की मदद से अगर मैं इसको इरेज करता हूँ तो क्या होता है, चलो देखते हैं। ये हमारा इरेजर का पॉपअप देखने को मिल रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू इरेज सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, तो हम यस पे क्लिक करेंगे
और वेट करेंगे, और ये देखिए हमारी फाइल डिलीट हो गई। अब दोबारा से हम एक काम करते हैं, दोबारा से हम रिक्यू वो ओपन करते हैं और फिर से इस फाइल को रिकवर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या ये फाइल रिकवर हो रही है। यहाँ से मैं अपनी ड्राइव ऐप यूज़ कर रहा हूँ जो पर्सनल ड्राइव है मेरी, और आप देख सकते हैं कि मुझे एक मैसेज देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे नो फाइल्स वेर फाउंड, वुड यू लाइक टू स्कैन अगेन विद द डीप स्कैन एनेबल, नो दिस कैन टेक ओवर एन आवर ऑन अ लार्ज फाइल। तो अभी के लिए मैं इसको नो कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, मतलब कि अगर मैं इरेजर की मदद से किसी डेटा को डिलीट करता हूँ तो उस डेटा को एक ऑर्डिनरी पर्सन कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा। अगर इस डेटा को आपको रिकवर करना है तो मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इरेजर से आप 100% सिक्योरली डेटा इरेज कर सकते, लेकिन 90% पीपल तो इरेजर से डिलीट किए हुए डेटा को रिकवर नहीं कर पाएगा, ये मेरी श्योर है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई हम कैसे इरेजर की मदद से हमारे डेटा को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं ताकि कोई भी बंदा हमारे डेटा को रिकवर ना कर सके। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने पर्सनल डेटा वाली कोई भी डिवाइस किसी को भी बिंदास दे पाएंगे बिना डर के, बिना रिकवरी के डर के। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे अपना कंटेंट कमेंट में बता सकते हो नीचे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो master.jp.mcw@gmail.com में, या फिर आप डायरेक्टली MCW हेल्प सेंटर में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। MCW हेल्प सेंटर का सपोर्ट ईमेल एड्रेस है mcw.help.center@gmail.com। इस वीडियो को आप सभी ने देखा उसके लिए थैंक्स, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, और मैं अपने हिसाब से बेस्ट ट्राई करूँगा कि आप लोगों को जो चाहिए एग्जैक्टली जो चाहिए वही चीज़ मैं आपको एग्जैक्टली ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से दे सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।